राजीव, आप देख रहे लकीली 11 चैनल। आज आपको स्वागत करता हूँ मेरे टूटी हुई टेक एपिसोड नंबर 17 में। तो मेरे रोज की तरह आज भी आपके लिए बहुत सारा अच्छा बहुत सारा नया नया टेक न्यूज़ लेके आया हूँ। तो वैसे मैं रोज बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद पसंद आए तो उसके बाद लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपना प्यार बढ़ाते हुए। और कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, तो और न्यूज़ के बारे में कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट्स करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला न्यूज़ निकल करता है सैमसंग के बारे में। सैमसंग का जो गैलेक्सी नोट 10 प्लस लॉन्च आज हो रहा है इंडिया में, तो आपका जो मतलब जो इतने दिन से सबर कर रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 नोट प्लस कब तक आएगा इंडिया में, कब लॉन्च होगा, मतलब डेट कुछ फिक्स नहीं था। कभी बोल रहा है कि 20, कभी बोला 22, कभी बोल रहा है 23, तो आज का 22 तारीख लॉन्च होने वाला है। आप लोग जो प्री बुकिंग करके रखे हैं वो जाके अपना फेवरेट गैलेक्सी नोट 10 प्लस कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्राइस तो मैं पहले ही बताता, एक आता है आपका 70,000 में नोट 10 जो है 8 GB 128 GB वाला, और दूसरा जो है 12 10 प्लस 12 GB 256 GB होता है 80,000 में, और जो है 12 GB 512 GB आता है वो आता है 90,000 में। सब में 1 रुपया कम है, मैं 1 रुपया ज़्यादा बोला, कोई बात नहीं। तो और क्या, अपना जो कूलेस्ट न्यू गैजेट आप जाके कल सुबह कलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोर से, जहाँ पे आप प्री बुक कर लिए हैं। उसके बाद नीचे वीडियो से कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल करता है पबजी के बारे में। पबजी ने अपना जो नया कुछ अपडेट देते हुए आपसे ऊपर प्यार बरसाते हुए कुछ नया अपडेट दे दिया और भी रोमांचकर बना दिया अपने पबजी गेम को, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर गेम अभी का। तो उसमें पहले जो आपको नया नया जो एक्सेसरीज मिल रहा था, जैसे गाड़ी मिलता था, प्लेन मिलता था, नया नया गन मिलता था, अभी आपको नया कुछ चीज़ मिलने वाला है। इसमें हेलीकॉप्टर मिलने वाला है, रॉकेट लॉन्चर मिलने वाला है, और भी ज़्यादा कुछ चीज़ मिलने वाला है जो आपको अगले अपडेट के साथ, अगले सेशन के अपडेट के साथ आपको मिल जाएगा। तो जो पबजी लवर है उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। आपको अगर पबजी खेलते हो और मेरा न्यूज़ देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे वन प्लस वालों ने अपने प्यार बरसाते हुए इंडिया वालों के ऊपर अपना जो 70 और 70 प्रो वाला मॉडल है वो लॉन्च करने वाला है। डेट फिक्स कर चुका है 26 सेप्टेम्बर को, ऐसा ही कुछ रिपोर्ट निकल के आया है। तो गाइस आप अगर वेट कर रहे हैं वन प्लस का 70 प्रो के लिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना है कि कैसा स्पेसिफिकेशन, कैसा फीचर्स के साथ आता है, कि वन प्लस हर एक बात कुछ नया लेके आता है। तो देखते हैं 26 सितंबर रात को लॉन्च अगर इवेंट दिखाएगा तो देख लूँगा, उसके बाद अपडेट तो आप सबको मिल ही जाएगा। जो कमेंट्स कर जरूर बताना है वन प्लस की तरफ से आपका कैसा राय है। रियलमी वालों भी बहुत तेज निकला, उन लोग भी अनाउंस कर दे कि उन लोगों का जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर का कुछ टीजर दिया था उन लोगों ने, आपको मैं दिखाया था मेरा टेक न्यूज़ पे, उनका कुछ फाइनल उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो रियलमी XT वाला जो मॉडल होगा नया उसके साथ निकलने वाला है। ऐसा जो फोटो आप दिख रहे हैं ऐसा आप कुछ अपडेट में दिया था कुछ दिन पहले टेक न्यूज़ पे, अब ये कन्फर्म हो गया रियलमी XT वाला फ़ोन है। तो इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर आपको जरूर दिखेगा। तो ये लॉन्च होगा सितंबर के महीने में, तो आप अगर मतलब वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला मॉडल बहुत ही खास होने वाला है मेरे हिसाब से। अब एक तगड़ा मॉडल होने वाला है ये, शायद आपको K20 Pro के साथ ज़बरदस्त लड़ाई होगा। आप तो जानते हैं कि अभी रियलमी और रेडमी के अंदर एक घमासान मतलब वार लगा हुआ है। तो देखते हैं ये XT वाला मॉडल कैसा होता है और किस फीचर्स, किस स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस में अंदर कितना वेरिएंट और कितना कलर लेके आता है, ये तो सितंबर लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। यहाँ पे चंद्रयान 2 के बारे में एक नया अपडेट निकल के आता है। अभी जो इसरो वालों ने तो हर एक टाइम नया नया अपडेट दे ही रहा है, बहुत मतलब गर्व की बात लगता है कि इसरो ने मतलब इंडिया की तरफ से स्पेसशिप चांद पे जा रहा है। मतलब इस कुछ दिन की दूरी है जब चंद्रयान 2 जो चांद के कक्षवत होके चक्कर लगाते हुए चांद पे लैंडिंग करेगा 7 सितंबर को, तब का सबका भारतवासी का इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार है कि कब ये दिन आएगा, कब हमारा अचीवमेंट मेरे हमारे सामने आएगा। तो आप भी शायद इसके लिए वेट कर होंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप कितने एक्साइटेड है अबाउट दिस चंद्रयान 2। यहाँ पर रेडमी वालों ने क्या क्या करके रखे हैं भाई, आप देख सकते हैं रेडमी वालों ने जो 64 मेगापिक्सल वाला जो टीज़र दिया था वो कन्फर्म हो चुका है, उनका नोट 8 प्रो वाला मॉडल में आ रहा है। और एक घमासान न्यूज़ है कि उसमें पावर को फुल रफ्तार से भरने के लिए उसमें मीडियाटेक का G90T वाला प्रोसेसर भी तैयार है उसमें डालने के लिए, क्योंकि रेडमी नोट 8 प्रो में G90T प्रोसेसर को दिखते मिल जाएगा और 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप भी उसमें मिल जाएगा, और उसमें अब NFC कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा।
और रेडमी का जो कॉमन फीचर्स आयर ब्लास्टर तो उसमें रहेगा ही। तो आपका अगर वेट है तो वेट कर लीजिए, वही रेडमी नोट 8 प्रो बहुत ही अच्छा मॉडल होने वाला है। तो देखते कब उनका फाइनल लॉन्च डेट सा निकल के आता है, तब तक के लिए वेट करते हैं। आप अगर इस मॉडल के लिए वेट कर रहे हैं या मॉडल के लिए कुछ एक्साइटमेंट आपके दिल में है तो नीचे कमेंट्स करके या फिर जरूर बताएं। शाओमी वालों ने अपना A3 वाला जो मॉडल है वो आज लॉन्च कर दिया है। लॉन्च इवेंट भी सुबह हुआ था, मैंने देखा है, आप लोग भी शायद देखे होंगे जो टेक न्यूज़ के लवर है। तो ये 48 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखे लॉन्च हुआ है इंडिया में, टॉप नॉच देखे हुआ है। 4030 mAh का बैटरी है, 6.08 इंच का HD+ सुपर एमोलेड इन डिजिटल फिंगरप्रिंट वाला एक फ़ोन है। तो इसका पीछे ट्रिपल रियर कैमरा है, 48 8+2 फ्रंट में 32 मेगापिक्सल, पहले आपको बोल दिया हूँ। तो ये वाला मॉडल जो है आज लॉन्च हुआ है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, बहुत ही मतलब कूल स्पेसिफिकेशन को डिक्टेट करते हुए ऊपर ऊपर जगह आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही मतलब रिलेटेड वीडियो हुआ ये वाला, तो आप जाकर ज़रूर देखना। और जो इस चीज़ में मुझे सब कुछ अच्छा लगे, A3 में प्राइस रेंज भी बहुत बढ़िया है, 12999 और 15999, 464 और 620 GB वाला दो वेरियंट है। उसमें तीन कलर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें एक जो मुझे पर्सनली अच्छा लगे कलर, जिसका जिसका नाम है, नाम भी थोड़ा अजीब सा है, जिसका नाम है आपका नॉट ओनली ब्लू। कलर बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा डिज़ाइन दे रहा है, अच्छा मतलब 3D मतलब मूव कर रहा है, तो इसमें सब अच्छा लगा। एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगा मुझे जो है कि HD+ डिस्प्ले दिया है भाई, एमोलेड दिए, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिए, 48 मेगापिक्सल कैमरा बैक में दिए, 32 मेगापिक्सल कैमरा सामने दिए। तो कम से कम फुल HD+ डिस्प्ले तो मांग रहा था ना, तो अगर हो फुल HD+ डिस्प्ले होता तो इसमें कुछ कमी नहीं रहता। हालांकि ये स्टॉक एंड्रॉयड पे है तो आपको कुछ एड्स वगैरह एम आई का जो MIUI वाला जो OS पे ऐड मिलता है, इसमें शायद वैसा ऐड आपको नहीं मिलेगा। मोरलेस इस प्राइस में ठीक ही है, अगर पूरा ठीक रहता तो, अगर इसमें फुल HD डिस्प्ले दे देता तो अब MI वालों को इसको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो अच्छा ही है, जाके ट्राई कर सकते हैं और उस वाला वीडियो पर जाकर एक बार देख लीजिएगा या ज़रूर। फिर नेक्स्ट अपडेट निकल जाते हैं ओप्पो रेनो के बारे में। ओप्पो रेनो का जो 2 वाला मॉड सीरीज है वो लॉन्च होने वाला है, मैं पहले भी आपको अपडेट कर दिया था। ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है, इसमें ओप्पो ने कुछ लीक्स दिया है, जो इसमें 20x का ऑप्टिकल जूम दिखने को मिलेगा, जो पहले था ओप्पो रेनो में 10x का हाइब्रिड जूम थे दिया था, इसमें 20x का ऑप्टिकल जूम मिलेगा। और इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया प्रोसेसर मिलेगा, स्नैपड्रैगन 730G वाला, जो अभी फिलहाल तो है सैमसंग का A80 में, मतलब वो प्रोसेसर बहुत ही अच्छा 8 नैनोमीटर का है, और आपका गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया है स्नैपड्रैगन की ओर से। तो आप लोग अगर ओप्पो का वेट कर रहे हैं, रेनो 12 सीरीज का वेट कर रहे हैं, तो इन मॉडल के लिए ज़रूर वेट कर लीजिए, क्योंकि मॉडल बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये ओप्पो का तरफ से फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है। तो देखते हैं कब तक आता है और किस प्राइस रेंज में आता है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और कैसा मतलब क्वालिटी के साथ इंडिया में आता है। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। आप अगर इस ओप्पो रेनो सीरीज के लिए वेट कर रहे हैं तो नीचे खबर कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको इसमें कैसे स्पेसिफिकेशन हो तो अच्छा लगेगा। यह पे और एक नया अपडेट निकल के आया पबजी वालों के लिए। हाई अब तो आज तो पबजी का पूरा मतलब जय जयकार है, मतलब पबजी वालों के लिए और एक बढ़िया न्यूज़ है। आप सिर्फ अभी मोबाइल पे या PC पे खेलना नहीं पड़ेगा, आपको अभी PS4 पे और आपका एक्सबॉक्स में भी पबजी जल्दी मिलने वाला है। पबजी का जो न्यू गेमिंग का अपडेट है, जो PS4 से खेल सकते हैं, PlayStation 4 में और आपका एक्सबॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा जल्द से जल्दी। तो आप लोग अगर इस दिन के लिए वेट कर रहे होंगे, तो अगर PS4 में पबजी खेलना चाहते हो, एक्सबॉक्स में वाल्मीकि खेलने के लिए वेट करते थे आप लोग अभी के लिए, तो वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उसके बाद जो लीक अपडेट निकल के आएगा मेरे पास, जो कब लॉन्च होने वाला है, किस मॉडल पे लॉन्च होने वाला है, आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। तो वीडियो से कमेंट्स करके ज़रूर बताना। यह इंटेल ने कुछ अनाउंस किया है, उन लोगों का जो 10th जनरेशन वाला 40 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर कमिट लेक को, जो वो i7 i5 i3 तीन सीरीज में मतलब लॉन्च कर दिया है। और उसका जो कूलेस्ट मतलब एक है 10 नैनोमीटर वाला आइस लेक वाला, पहले मैं आइस लेक के लिए कुछ आप न्यूज़ दिया था आप लोगों को, मतलब ये दोनों ही मतलब बढ़िया है, दोनों ही दो सीरीज के साथ निकला है। तो अगर ये 49 पे 10 मीटर दोनों में जो तो डिफरेंस होगा ही ना, ये डिफरेंस को लेके मतलब इंटेल वालों ने कुछ मतलब टेंशन में आ चुका है, मतलब कुछ उन लोगों ने अपने आपके अंदर कुछ मतलब फिक्स नहीं कर पा रहे। तो आप अगर एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र हो, तो आप अगर नया लैपटॉप या नया PC लेना खरीदना चाहते हो, तो अगर इंटेल का 10th जनरेशन वाला कुछ मतलब ट्राई करना चाहते हो, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, कमिट लेक या आइस लेक, वीडियो के नीचे कमेंट करके नेक्स्ट जरूर अपडेट बताना। निकल के आता है अमेजन के बारे में। अमेजन ने अपना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैंपस खोला है हैदराबाद में। उन लोगों ने ये भी बोला है कि ये वाला जो कैंपस है उसमें 15,000 एम्प्लॉय एक साथ रह सकता है, अब रह रहा है। तो अमेजन वाले में दिखते हुए लग रहा है कि दुनिया में मतलब दुनिया तो बात छोड़ ही दीजिए, इंडिया ने मतलब
पॉपुलेशन के साथ मतलब वैकेंसी भी बढ़ रहा है, तो ये अच्छा बात है। मतलब इतना बड़ा कैंपस खुला है तो बहुत लोगों को काम भी मिलेगा, बहुत सारा काम मिलेगा, तो अच्छा ही है यार इंडिया वालों के लिए, हमारे लिए। थैंक यू अमेज़न। आपको अगर क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर यहाँ पे बताना। टाइलमेट वालों ने अपना जो ब्लूटूथ ट्रैकर एक लॉन्च किया है, जो एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है। मतलब आप अगर अपने कुछ डिवाइस के साथ उस कनेक्ट करके रखेंगे, तो अगर इसका आप इससे आपको गुम होने का चांसेस बहुत कम होगा, क्योंकि 150 मीटर की रेंज में भी आप रहेंगे उस चीज़ को जिसमें टाइलमेट का जो ब्लूटूथ ट्रैकर लगा हुआ है, और आपसे वो खो गया या आपको मिल नहीं रहा है, तो 150 मीटर के अंदर भी आप रहे रेंज के अंदर, तो आपको स्कैनिंग करके मतलब ट्रैक कर पाएंगे उस डिवाइस को, कहाँ पे जाके वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब इंडिया पे अभी लॉन्च हो चुका है। इंडिया पे आपको इंडिया मार्केट में जो प्राइस होगा, इसका सिंगल पीस लेंगे तो आपका 2499 वाला प्राइस होगा। अगर 4 पीस वाला जो पैकेजिंग है उसका लेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा 7999 में। आपका अगर ऐसी चीज़ गुम होने की मतलब संभावना रहता है, ऐसे आपको चीज़ गुम हो जाता है, तो आप इस टाइप का डिवाइस को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। मतलब चीज़ गुम होने से थोड़ा तो रिस्क ही कम होगा। तो आपको ये कैसा लगा ये वाला डिवाइस, नीचे कमेंट्स कर ज़रूर बताना। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तब भी आपको बताना, अगर नहीं अच्छा लगा तब भी यहाँ आपको पे आजकल लास्ट बताना। अपडेट निकल के आता है आईफोन की, लेके आईफोन 11 में जो बंडल होके आ रहा है एक टाइप सी वाला चार्जर, फर्स्ट टाइम आईफोन में आ रहा है टाइप सी वाला चार्जर जो बंडल होके आ रहा है आईफोन 11 का बॉक्स में, इस बॉक्स के साथ, और यूएसबी टाइप सी। शायद इसमें लाइटनिंग केबल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो निकलने के बाद ही पता चलेगा। और इसका जो टाइप सी वाला केबल होगा आईफोन XS में आर में भी ये सपोर्ट करेगा, और यूएसबी टाइप ए पोर्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा पूरा। और ये वाला जो टाइप सी वाला चार्जर मिलेगा, पहली बार मिलेगा आईफोन का आईपैड प्रो वाला मॉडल पे, फर्स्ट टाइम मिलने वाला है। तो आपको अगर आईफोन यूज़र है, आप एक आईओएस यूज़र है, तो आपको अगर टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है तो आपको कैसे लगेगा कि अभी का जो टाइप पोर्ट है, अगर उसको आप मतलब चेंज करना चाहते हैं तो वही अच्छा था, या फिर टाइप सी अच्छा है, नीचे फिर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही, आज के लिए टेक न्यूज़ आपको यही खत्म होता है। बहुत सारा टेक न्यूज़ आज था आपको मेरे साथ में शेयर करके अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना प्यार जताते हुए, और चैनल पर नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब करता देना। और ऐसे ही टेक न्यूज़ वाला वीडियो रोज आपको मिले तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा, करने के साथ साथ में जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।